हेलो फ्रेंड्स, आज मैं स्ट्रीट स्टाइल सैंडविच बनाऊंगी। आलू ग्रीन चटनी, रेड चटनी, जिसमें चीज़ होती है, मुंबईया सैंडविच बोलते हैं जिसको। इसके लिए मैंने आलू का मसाला बनाने के लिए 1 चम्मच अदरक लहसुन को लिया है क्रश करके, धनिया की पत्ती ली है ढेर सारी, आलू ले लिया है 6-7 आलू। कढ़ाई में ऑयल गर्म हो गई है, इसमें अदरक लहसुन डालेंगे। अदरक लहसुन ज़्यादा भून रहा था इसलिए मैंने आलू डाल दिया इसमें जल्दी से, ताकि जले ना ये। इसे फटाफट मिक्स कर देंगे। तेल में ज़्यादा गर्म हो गई थी इसीलिए जला टाइप हो गया है, इसको निकाल दूँगी बाहर। इसका फ्लेवर तो आ ही गया है आलू में। इसमें धनिया को डाल देंगे और भूनेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। आलू के साथ इसे भून लेंगे। इसमें अब नमक डालेंगे, हल्दी डाल देंगे, जीरा का पाउडर डालेंगे। आलू में सबका टेस्ट आ जाए उतना डालेंगे। इसे मिक्स कर देंगे। आलू को मैंने मैश करके रखा हुआ है, सारे मसालों को मिक्स कर लिया, फिर आलू को भी इसमें मिक्स कर देंगे। अब आलू को डाल देते हैं। अब इसे मिक्स कर देंगे। मसाला हमारी भून चुकी है, आलू का मसाला बन गया है, मैंने इसे मिक्स कर लिया है। आप लोग अगर चाहें तो धनिया को इसमें से स्किप भी कर सकते हैं। अब ग्रीन चटनी बनाएंगे। इसके लिए धनिया, एक बड़ी साइज की ब्रेड है जिसका हम सैंडविच बनाएंगे उसी साइज का ब्रेड है, ये नींबू का टुकड़ा है आधा, अदरक लहसुन ली है थोड़ी सी। इन सभी को जार में डाल देंगे और नींबू को निचोड़ लेंगे। नमक डाल देंगे, हल्का सा पानी डाल देंगे, उसके बाद इसे पीस लेंगे। ग्रीन चटनी हमने पीस ली है सैंडविच की, अब इसे रख देंगे अलग से बाउल में। अब रेड चटनी बनाएंगे। इसके लिए मैंने बड़ी वाली जो मिर्च आती है वो ली है, सोक किया हुआ मिर्च है, आधा एक घंटे से मैंने इसे सोक करके रखा था। इसे डाल लेंगे जार में और ब्रेड को, और लहसुन थोड़ी सी ज़्यादा ली है, ग्रीन चटनी में डाली थी उससे ज़्यादा, और इसमें अदरक नहीं डालूँगी, नींबू का रस भी नहीं डालूँगी। अब नमक डाल देंगे, इसमें पानी डाल देंगे थोड़ा सा, अब इसे पीस लेंगे। मैंने रेड चटनी भी पीस लिया है लेकिन ये तीखी है, मैंने इसे टेस्ट करके देखा है, इसका तीखापन थोड़ा सा दूर करने के लिए इसमें नींबू का रस डाल दूँगी, एक नींबू का रस है पूरा, और हल्का सा नमक और डालूँगी इसमें, और चीनी डालेंगे थोड़ा सा। अभी इसे फिर से पीस लेंगे। ये देखिए चटनी मैंने पीस ली है। अब ये मिर्च की चटनी है तो हल्की सी तीखी तो रहेगी ही, लेकिन पहले से थोड़ा कम हो गया है नमक, मिर्ची, नींबू डाला है तो मीठा, तीखा, खट्टा इसका टेस्ट आ रहा है। अब हमारा चटनी भी तैयार है, आलू भी, चीज़, चाट मसाला, जीरा पाउडर सब ले लिया है, बटर ले ली है। अब ब्रेड पर बटर लगाएंगे, बटर भी ले लिया है, अब ब्रेड में बटर लगाएंगे। ब्रेड में बटर लगा लिया है, अब इसमें ग्रीन चटनी स्प्रेड करेंगे। ग्रीन चटनी इसमें ज़्यादा भी लगा सकते हैं, ग्रीन चटनी में मैंने मिर्च का यूज़ नहीं किया है, जो तीखी चटनी है ना, मतलब मिर्च वाली चटनी, लाल मिर्च की, उसे कम लगाएंगे। ग्रीन चटनी को पूरा स्प्रेड कर लेंगे ब्रेड में। इसे साइड में रख देंगे और एक और ब्रेड ले लेंगे। अब फिर से ब्रेड लेके उसमें बटर लगा लिया है, अब इसमें मिर्च की चटनी डालेंगे, मतलब कि रेड चटनी, इसे भी स्प्रेड कर लेंगे। रेड चटनी भी स्प्रेड कर लिया है,
अब इसमें चीज हमने लगा लिया है, आप लोग इसके जगह मोजरेला चीज भी ले सकते हैं। चीज हमने लगा लिया है, अब इस ब्रेड को साइड में रख देंगे। अब इसमें आलू लगा लेंगे। आलू को स्प्रेड कर लेंगे इसमें, जितना भी चाहे आप लोग आलू लेना चाहें उतना आलू इसमें स्प्रेड कर लेंगे। अब खीरा लगा लेंगे इसमें। प्याज लगा लेंगे, टमाटर भी, टमाटर ऑप्शनल है, इसे आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें चाट मसाला डालेंगे, जीरा पाउडर डालेंगे, अब जो ब्रेड में हमने चीज लगाया था उसे ले लेंगे। बटर लगा लेंगे, बटर या फिर घी लगा लेंगे ब्रेड के ऊपर दोनों तरफ। मैंने इसमें बटर लगा ली है, आप लोग इसके जगह घी भी स्प्रेड कर सकते हैं। अब इसे ग्रिलर में रख देंगे ऐसे उल्टा करके, अब इस तरफ भी घी या फिर बटर लगा लेंगे। अब इसे ग्रिल कर लेते हैं। सैंडविच हमारी ग्रिल हो गई है, अब इसे कट कर लेते हैं। अब इसे कट कर लेंगे। ये देखिए चीज अच्छे से मेल्ट हो गई है, अब इसे प्लेट में सर्व कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा दिख रहा है इसका कलर। साथ में चटनी भी सर्व कर लेंगे, जो चटनी हमने पीसा था सैंडविच के लिए। ये देखिए स्ट्रीट स्टाइल सैंडविच।